सो हेलो नमस्कार, मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूँ आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख चुके हैं, पहले हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से पार्ट वन में 12.1 पूरा कवर किया गया है और आज हम 12.2 का ये जो है पार्ट थ्री देखेंगे, जिसमें से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का ये पार्ट थ्री होगा। तो चलिए आज जो है हम लोग क्वेश्चन 6 नंबर से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 12.2 का 1 से लेकर 5 पार्ट 2 में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके हमारे चैनल में प्लेलिस्ट से आप पहले वाला वीडियो को देखेंगे, तब आपको ये वाला वीडियो और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए, हालांकि आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो ठीक लगे वो आप करते जाइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा हम क्वेश्चन नंबर 6 को बड़ा करते हैं। अच्छा, ये तो सर क्वेश्चन जो है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, ठीक है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले आपको वृत्तखंड के बारे में तो जानकारी है ही, एक बार चलो हम लोग जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक वृत्त है, यहाँ पर इसका केंद्र है और ये त्रिज्या के कारण त्रिज्याखंड हो गया और ये जो हो गया यहाँ से यहाँ वाला भाग वृत्तखंड हो गया, तो ये लघु वृत्तखंड हो गया और फिर पीछे जो है वो दीर्घ वृत्तखंड है। ओके, तो समझते हैं जो जो दिया है, पहले लिख लेते हैं। दिया है R बराबर 15 सेंटीमीटर और थीटा का जो वैल्यू है सरकार वो है 60 डिग्री। ओके, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आप बता सकते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल का, पहले आपको पढ़ा चुके थे, तो आपको क्या करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जरा देखिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर और यहाँ जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका दोनों भुजा बराबर है, तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर जो होगा वो होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। ओके, क्या क्या आ रहा था सर, तो काम करो आप आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो थीटा बटे 360 इंटू पाए माइनस हो जाएगा 1/2 इंटू साइन थीटा, है ना। अब हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर आर का वैल्यू पुट कर देते हैं, 15 का स्क्वायर हो जाएगा और थीटा का जो वैल्यू है वो 60/360 इंटू पाई का जो वैल्यू है वो आपको 3.14 कहा गया है, तो 3.14 माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा की जगह पर 60 डिग्री, ठीक है ना। अब ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो 6 बार में कट गया। अब हम क्या करते हैं, सिंपली 15 का स्क्वायर 225 1/6 इंटू 3 × 4 = 8 3.14 माइनस 1/2 और साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता, √3/2 होता है, ठीक है ना। अब 225 हो गया आपका, समझ में आ रहा है, ये जो 225 हो गया 1/6 इंटू 3.14 यानी कि 3.14 से अगर हम 6 को डिवाइड कर दें तो डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं 0.52 3 माइनस 1/4 हो गया, 2 × 4 हो जाएगा, है ना, और √3 का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 1.73 दे रखा है। हाँ सर बोलिए। मेरा क्लास कल से बाबू, मैसेज तो किए थे हम ग्रुप में, मैंने बात
मोबाइल नहीं था, पापा के पास था। अच्छा, यहाँ कोचिंग आ गए थे। तो कल से क्लास होगा, आज तो हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0.43, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो माइनस कर देते हैं 0.523 माइनस 0.43, तो 3 हो जाएगा सर। पहचान लेंगे 10, तो 12 जमा 12 में 3 जाएगा, तो क्या बच गया आपका 9, 4 में 4 कट 2 यानी 0 हो जाएगा 0.093। 225 गुना 0.093 हो गया, तो हो जाएगा 20.925। ये हो गया आपका पहला आंसर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हम कह सकते हैं पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड कहाँ से कहाँ तक, पहले इसको समझने का प्रयास करें। तो सर ये जो पूरा पोर्शन हो गया ना सर, ये पूरा दीर्घ वृत्त खंड हो गया आपका, ठीक है ना। तो एक काम करिए ना, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के आप यहाँ से यहाँ वाला भाग को माइनस कर दीजिए, यानी लघु वृत्त खंड को घटा दीजिए, है ना। तो वही हम कर रहे हैं। वैसे आप इसमें फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, तो ये जो थीटा सर आपका दिया था 60, तो पीछे जो थीटा होता वो कितना होता, समझ सकते हैं, 300 डिग्री। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उधर का त्रिज्यखंड निकाल के उसमें से त्रिभुज को माइनस कर देते, यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड निकाल के उसमें त्रिभुज वाला जो क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज माइनस नहीं, इसमें प्लस हो जाता, क्योंकि इसमें इंक्लूड है ना त्रिभुज। त्रिभुज को ये जो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है इसको हम लोग को क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड के थ्रू जाते तो, और हम लोग वृत्त के थ्रू अगर जा रहे हैं, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में हम ये जो लघु वृत्तखंड है उसको घटाएंगे, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल सर पाई आर स्क्वायर होगा, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप 20.925 आप निकाल के रखें, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर जो है सरकार वो 15 का स्क्वायर है, है ना। तो माइनस 20.925 सॉल्यूशन कर लेते हैं, 22 इंटू 15 का स्क्वायर 225/7 हो गया, और 20 पॉइंट माइनस हो गया, माइनस 20.925। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट करेंगे आप प्लीज़। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो कृपया करके आप कमेंट करें। तो उम्मीद है कैलकुलेशन में कहीं कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। तो आप समझिए जरा सर, 22 को हम 225 से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो 7 से कटा के देखते हैं, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 1 / 22 नहीं कटेगा। तो जब कटेगा ही नहीं तो वहाँ टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। हम क्या करते हैं ना, 22 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 225 गुना 22 तो हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 = 5, 450 49 50 49 50/7 माइनस 20.925। अब जल्दी से आप इसको माइनस करिए, पहले डिवाइड करते हैं 7 से, 49 50 डिवाइडेड बाय 7 करिए कितना हुआ, बोलो बोलो कितना हुआ, 707.14, ठीक, 20.925। अब जल्दी से इसको माइनस करके देखो, आता है ना माइनस करने सबको, 686.00 कुछ आया होगा, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया वो आपका आंसर हो गया। एक बार मैच कर लो आंसर के साथ, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, देख लो ये पूरा वीडियो यहाँ तक है, आप नोट कर लो, कोई दिक्कत है तो बताओ।
अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है और थोड़ा सा लॉजिक है इसमें लगा हुआ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ओके, तो चलिए पहले हम सवाल को बड़ा करके समझ लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंतरित कर रही है? 120 डिग्री का। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, यह है कोई वृत्त और इस वृत्त में यहाँ केंद्र है और केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना है। अगर मान लेते हैं ये जीवा है, और यहाँ से एक लंब डाल दिए, मान लेते हैं O है, M है, इधर N, O, यहाँ पे P, अच्छा M N O, वो तो हो ही गया। यहाँ पर P मान लेते हैं और यहाँ पर R मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो 120 डिग्री यहाँ पर कोण था वो अब 60 डिग्री और 60 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लंब डालने हैं तो लंब जो होता है जीवा पर बिल्कुल आधा आधा डिवाइड करती है, यानी समद्विभाजित करती है। चैप्टर 10th में आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, ठीक है ना, वृत्त का। और एक जो चैप्टर है चैप्टर 10th, तो उसमें इसके बारे में दिया गया डिस्कशन है। तो चलिए, माना ओ वृत्त का केंद्र है, जिसमें क्या क्या दिया है सरकार, थीटा बराबर दे दिया था 120 डिग्री, बहुत अच्छी बात है, और त्रिज्या जो दिया है आर बराबर, वो है आपका टोटल 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ है 12 सेंटीमीटर। अब हम एक लॉजिक निकालते हैं। अगर आपको इधर थोड़ा सा हम आपको बना के दिखाते हैं, अगर आपसे पूछा जा रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दैट मीन्स कि आपको यहाँ से यहाँ तक पूछा जा रहा है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पुराना ही वही नुस्खा हम लोग अपनाएंगे, है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप पढ़े थे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इसमें माइनस हम लोग कर देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। नाम है तो नाम लिख देते हैं त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज तो होगा ही, ओ एम पी त्रिभुज, ओ एम पी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहला तरीका डायरेक्ट बताते हैं आपको, इसको पार्टीशन करके दो डिवाइड, इस वजह से हम लोग कर दें दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो इस हिसाब से बनाएं। अगर यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किए हैं तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर अगर 90 डिग्री है तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू एम पी। अगर ये परपेंडिकुलर है सर, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। अगर यहाँ 90 डिग्री हुआ तो इसका मतलब ये जो ट्रेंगल है आपस में कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये बनेगा सम कौन त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट होता है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज ओ एम आर में, ओ एम आर में हम क्या करते हैं, ओ आर का वैल्यू, चूँकि ये अगर कोई त्रिभुज है ऐसे करके, ओ है, एम है और इधर आर है, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको ऊंचाई चाहिए, ये हाइट होगा और ये बेस होगा, आधार होगा, तो यानी हमको एम आर भी चाहिए और ओ आर भी चाहिए। तो हम लोग निकालते हैं ना वैल्यू पहले। यहाँ पर अगर ये एंगल 60 डिग्री दिया है तो सर ये तो थीटा हो गया ना, थीटा के सामने वाला ये जो साइड हो गया उसको हम लोग क्या कहते थे, याद करो, परपेंडिकुलर कहते, है ना, और चैप्टर 8 में आप पढ़े होंगे थीटा के जो सामने होता है उसको हम लोग क्या कहते थे, परपेंडिकुलर। और थीटा ये जो होता है 90 डिग्री के सामने वाला, ये हाइपोटेनियस होता था, और जो ये है हाइट, ये हाइट है और ये हाइपोटेनियस है, तो ये बेस हो जाएगा क्योंकि थीटा के अगेंस्ट में है। ठीक है,
आप लोग OMR में करते हैं चर्चा, थीटा है वहाँ पर, तो हमको चाहिए, चूँकि दिया है 12 सेंटीमीटर ये, यानी ये चाहिए और अगर ये चाहिए तो हम H की बात करेंगे और P, तो H और P, H बटे P या P बटे H, याद होगा फॉर्मूला, पंडित बटे हरि पढ़ाए थे, पंडित बटे हरि P बटे H, तो ये फॉर्मूला होता था साइन थीटा का, बोलो हाँ या ना। तो साइन थीटा की जगह पर हम लोग 60 डिग्री पुट करते हैं, तो परपेंडिकुलर जो है सरकार वो MR है और जो हाइपोटेनियस है वो 12 है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो MR बटे 12। तो सर MR का जो वैल्यू होगा ये 2 से 6 इधर से कट गया और उधर से 6 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये MR का वैल्यू आपको मालूम चल गया। अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप कह सकते हैं MR बराबर PR होगा, यानी MR यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, M से R, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस वही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगर MR इतना है तो PR का वैल्यू भी क्या होगा, 6√3 होगा, बोलो हाँ या ना, इसमें कोई डाउट किसी को तो नहीं होना चाहिए। बोलो बच्चे लोग समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब हम समझते हैं आगे, पुनः अब हमको ना बेस पता चल गया दोनों त्रिभुज का, हमको हाइट चाहिए यानी OR चाहिए। तो OR जो है यहाँ बेस का काम कर रहा है क्योंकि थीटा इसके सामने है। अगर ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर थीटा है 60 डिग्री, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता था, इसके बगल वाला बेस होता था और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता था, है ना। तो हमको अब परपेंडिकुलर यानी उसके लिए हाइट और इसके लिए बेस चाहिए। तो बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, b बटे h का फॉर्मूला किस में पढ़े थे, cos थीटा बराबर पढ़े थे, तो यानी cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा बेस का OR हो गया, नाम लिख देते हैं, और जो हाइपोटेनियस हो गया वो है 12 और इसका वैल्यू होता है 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 OR बटे 12। तो 2 से कितने बार में कट गया, 6 बार में, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर तो OR बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। हम आपको दो तरीका बताएंगे, चिंता नहीं करना है, जो तरीका आपको सूटेबल लगे उस मेथड से आप सॉल्व करिए सवाल को, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर अगर हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचने वाली बात है, क्या करेंगे सोचो। तो हम क्या करते हैं ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और ये जो त्रिभुज है OMP उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो एक लिख सकते हैं त्रिभुज OMR, तो ये समकोण त्रिभुज है, बोलो हाँ या ना, समकोण त्रिभुज OMR का क्षेत्रफल प्लस, इसको पूरे ब्रैकेट में रखेंगे, OPR का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज OPR का क्षेत्रफल। क्या बात समझ में आ रहा है। अब आप थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये था 120 डिग्री बटे 360, पाई के जगह पर क्या पुट करने के लिए बोला गया, 3.14 इंटू आर, आपका मालूम था ऑलरेडी, रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो गया, माइनस ब्रैकेट रखते हैं क्लोज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसका जो आधार है ये यहाँ से यहाँ तक है MR, यानी MR का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 6√3 निकला हुआ, 6√3 इंटू हाइट जो निकला सर वो कितना निकला आपका, 6 निकल गया, प्लस OPR में उसका भी वही होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार जो है वो आपका बेस कितना था, PR यानी 6√3 है, 6√3, हाइट तो यही होगा ना, ऊंचाई कितना है 6। अब हम लोग कटा देते हैं, 2 × 6 × 2 × 6 यहाँ से कटाते हैं, 10 से 10 कट गया, 12 × 36 3 बार में,
एक बटे तीन गुना 3.14 इंटू 12 गुना 12 माइनस 18√3 प्लस 18√3 हो गया। 3 से कटा दीजिए, 3 × 12 3.14 × 48 हो जाएगा, माइनस 18 और 18 हो जाएगा 36√3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 को 48 से, तो गुना करते हैं 314 × 48, 8 × 32 का 2, हाथ में 3, 8 × 8 = 3, 11 × 1 हाथ में 1, 8 × 3 = 24 और 1 = 25, ठीक है। 4 × 16 = 6 हाथ में 1, 4 × 4 और 1 = 5, 4 × 3 = 12, 2 × 7 = 10, 5 × 5 = 10 हो गया, 2 × 2 = 4 और 1 = 5, 15 = 0 = 72, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, माइनस 36, और √3 का जो वैल्यू है, 36 × √3 का वैल्यू कितना है, 1.73, यानी 173 से 6228 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद और 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर। अब हम इसको माइनस करते हैं सिंपली, तो 6 2.28 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 × 10 जमा हो गया 12, 12 में अट गया तो 4, और सर यहाँ कितना बच गया, 6 में 2 गया तो 4 बचा, पॉइंट पहुँचा देंगे तो 10 में 2 गया तो 8 बच गया, यहाँ 4 × 14 = 6 जाएगा तो 8 बचेगा, बोलो हाँ या ना। तो ये जो है वो आपका आंसर हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है गया तरीका 1, ठीक है, पहला तरीका। अब हम लोग इसका दूसरा तरीका समझते हैं, तो दूसरा तरीका थोड़ा सा सीनियर लेवल का तरीका है, तो चलिए कोई बात नहीं, समझते हैं दूसरा तरीका। तो इस वो ये था, 120 डिग्री का कौन बना हुआ था, रेडियस 12 था और हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसमें थोड़ा सा एक वैल्यू जो है उसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप साइन 120 डिग्री का मान को जानते नहीं, तो ये जो वैल्यू है वो आपको सिर्फ थोड़ा सा माइंड में याद रखना पड़ेगा, हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि तुरंत आपसे हो जाए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखो, थीटा कितना दिया था, 120 डिग्री, और रेडियस कितना था, 12 सेंटीमीटर, तो थीटा बटे सर 360 पाई आर स्क्वायर होगा, माइनस 1/2 r² इंटू साइन थीटा होगा। अब 120/360 पाई का मान 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू -1/2 12 का स्क्वायर इंटू साइन 120 डिग्री। अब आप देखिए यहीं पर बच्चा जो है थोड़ा सा फंस जाता है, क्यों, क्योंकि साइन 120 डिग्री का वैल्यू आपको पता नहीं है। आप चैप्टर 8 में पढ़े होंगे मैक्सिमम साइन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तक का ही वैल्यू आपको मालूम है, तो यहाँ बच्चा ही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए वो तरीका भी हमने बताया। और चलिए ये तरीका भी हम बताते हैं साइन 120 डिग्री का वैल्यू आप कैसे निकालें। जब आप क्लास 11th में जाएंगे और आप मैथ लेंगे तो आपको ये वाला बहुत अच्छा से समझ में आएगा, तो अभी भी बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा, हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। और चलिए देखते हैं हम लोग इसमें हम लोग करेंगे क्या। तो देखो साइन 120 डिग्री जो होता है ना, उसको साइन 90 प्लस 30 डिग्री कर दो, तो साइन 90 प्लस 30 कितना होता, 120 होता। अब आप कुछ दिन पहले ही पढ़े होंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता था कॉस थीटा, इसका क्वाड्रेंट होता है
यहाँ हम लोग पढ़ते हैं आजा सनम तेरी कसम, पढ़ेंगे क्लास 11th में, जब आप जाएंगे तब आपको पढ़ाएं, चिंता ना करो। और यहाँ पर जो होता है जीरो होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री का होता है, ये 270 डिग्री का होता है, और फिर यहाँ पीछे में 360 डिग्री का होता है। क्वाड्रेंट होता है पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब हम लोग अगर 90 माइनस थीटा करते थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते थे, और 90 प्लस थीटा करेंगे, जैसे यहाँ पे पहले जो आप 8.2 में पढ़े थे फॉर्मूला 90 माइनस थीटा, तो उसमें थे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते थे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम है, और ए जो हो गया, ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, यहाँ एस का मतलब हो गया साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन और कॉट होता है, टी से क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी यहाँ सी से कॉस और सेक होगा, कॉसेक नहीं होगा, कॉस और सेक होगा, क्योंकि सी से कॉस होता है और उसका जो इन्वर्स होता है वो होता है सेक। ओके, तो ये होगा पॉजिटिव, बाकी जिसका जो क्वाड्रेंट है यहाँ पर, इसे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा जो भी है, जैसे टेन, कॉट, कॉस और सेक, ये चारों जो है निगेटिव होगा, हर हाल में निगेटिव होगा। तो हम साइन 90, देखो 90 का नियम है, जब भी ये लाइन पर यानी वाई एक्सिस पर कुछ रहे ना, वाई एक्सिस पर, तो नियम है चेंज होता है, चेंज होगा, अगर 90 दिख जाए या 270 दिख जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर चेंज होगा, हमेशा चेंज होगा। तो 90 में चेंज होकर क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, और जो थीटा है वो 30 डिग्री। अब देखिए, चूँकि इस क्वाड्रेंट में हम लोग चले गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, हमको साइन देखना, कॉस आया उससे हमको कोई मतलब नहीं, वो तो आया है ना, पहले क्या था साइन था, साइन क्या हो गया यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए प्लस, ठीक है। अब हम लोग ज़रा समझने की प्रयास करते हैं, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, रूट 3/2 होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं साइन 120 डिग्री का मान, साइन 120 का ही मान था ना, वो साइन 120 बराबर लिखे साइन 90 प्लस 30, तो साइन 120 बराबर जो हो गया वो हो गया रूट 3/2। अगर आप चाहें तो इसको याद कर लीजिए, या तो आप समझ लीजिए, तो ना अगर याद कर लेते तो आपको इतना प्रोसेस झेलना नहीं पड़े, हालांकि हम कहते हैं प्रोसेस को समझिए, अगर फ्यूचर में कोई तरह का प्रॉब्लम होगा तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है सर 10 से 10 कट गया, 3 बार में हो गया, यहाँ से 1/3 3.14 इंटू 12 × 12 माइनस 1/2 × 12 × 12 इंटू रूट 3/ साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, रूट 3/2 हो गया। तो देखिए 3 से 3 × 12 और आप पीछे जाएंगे तो सेम टू सेम यही चीज़ आपका आया था, आप अगर नोट किए हैं कॉपी में तो आप मिला के देख लीजिएगा, तो 3.14 को हम मल्टीप्लाई किए थे 48 से, आपको याद होगा, और यहाँ 1/4 हो गया, और 12 × 12 144 × √3, और रूट 3 का मान क्या होगा सर, एक काम करते हैं ना, 2 से 2 से कटाते हैं 6 बार में, और ये 2 से फिर 6 बार में, तो 6×36 डायरेक्ट लिखते हैं, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादा, 36 × √3, तो रूट 3 का मान आपको ऑलरेडी दे दिया था 1.73, या 1.73 पुट करते हैं, सेम टू सेम आपका आया था ना, याद करो कॉपी में मिला के देखो जल्दी से, यही था ना। देखिए तरीका एक ही है, सिर्फ अलग अलग आप मेथड यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि प्रोसेस तो वहीं पर आया लास्ट में, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हम स्लाइड देख लेते हैं क्या मल्टीप्लाई की, तो क्यों टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर यही था 3.14, देखो है ना, 3.14 × 48 था, और 36 को रूट 3 से गुना किए थे तो ये आया था आपका 150 72 माइनस 36 को 173 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आया था 6228, दो अंक के बाद दशमलव, अब आप इसको माइनस कर दीजिए, 150.72 एंड डिवाइडेड बाय 62.28 एंड दैट इज 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा 88.44, दोनों सेम आंसर आए। तो दोनों तरीका से आपको बता दिए, जो आपको ठीक लगे दोनों को आप नोट करके रखिए, इन फ्यूचर आपको कोई तरह का दिक्कत हो तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी, यहाँ पर आप देख रहे हैं घोड़ा को बांधा गया 5 मीटर लंबी रस्सी के, ठीक है ना, बांध दिया जाता है जैसा कि आकृति में आपको देखा गया दिखाया गया। यहाँ बोल रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहाँ पर घोड़ा चर सकता है। तो सर घोड़ा जो चर रहा है इसी भाग पर ना चर रहा है, तो ये जो टोटल एरिया मान लेते हैं इस कोने पर हम बांधे हैं घोड़ा को, सपोज करिए यहीं पर बांधते हैं, ये 5 मीटर लंबा एक रस्सी है, और अगर बांधेंगे तो घोड़ा मैक्सिमम इतना ही कवर कर सकता ना, इससे ज़्यादा तो ऐसे ऐसे तो वो कवर नहीं कर सकता। समझ पा रहे हैं बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो जो घोड़ा कवर करेगा वो कुछ इस तरह कवर करेगा ऐसे ही, ठीक है। तो चलिए समझते हैं हम लोग कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है अभी रेडियस फिलहाल, तो चूंकि वर्गाकार खेत यानी भुजा का लंबाई दे दिया 15 सेंटीमीटर, लेकिन जो रस्सी का लंबाई है वही ना मेरा मेन रस्सी का लंबाई यही है ना, तो यही रस्सी का लंबाई मेरे लिए क्या बन जाएगा, इस वृत्त का त्रिज्या बन जाएगा। तो रेडियस जो हो गया सरकार वो आपका कितना हो गया 5 मीटर। आप खुद ही अनुमान लगाइए कि यहाँ पर जो थीटा होगा वो क्या होगा, चूंकि एक वर्ग है तो वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, इसका मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहाँ घोड़ा घास चर सकता, तो घोड़ा जो घास चरेगा वो त्रिज्यखंड पर चरेगा या वृत्तखंड पर चरेगा, आप ही बताइए। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं ये जो चर रहे हैं वो त्रिज्यखंड पर चरेगा, यानी हमको निकालना है घोड़ा द्वारा चरे गए घास या चरे गए मैदान का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्र। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है सरकार वो होता है थीटा बटे 360 × π r², तो थीटा के जगह पर अप्लाई कर दें 90 डिग्री बटे 360 × π की जगह पर हम लोग कुछ पुट कर रहे हैं क्या, 3.14 पुट करना है, क्वेश्चन बोल दिया। आर स्क्वायर रेडियस कितना है सरकार, तो 5 का स्क्वायर, तो आप 10 से 10 कटा दीजिए, 9 × 6 = 36, 4 बार में 1/4 × 3.14 × 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25। अब आप एक काम करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.14 को, 3.14 × 25 तो 5 × 20 हाथ में 2, 5 × 5 और 2 7, 5 × 3 = 15, 2 × 8 2 × 2 = 6, 0, 7, 8, 15, 5 हाथ में 1, 5 × 2 = 7 है ना, और 1 हो गया 8 7, 78.50। और इसको फिर डिवाइड करना आपको 4 से कटा दीजिए, तो 4 × 4 = 4 3 × 8 = 4 9 × 36, फिर आपका 2 उतर गया और इधर उतर गया 5, तो 4 × 6 = 24 हो जाएगा, 10 × 4 = 8 2 पॉइंट देंगे 0 × 4 = 20, यानी कि 1962.5 इतना मीटर स्क्वायर हो गया आपका घोड़ा जितना दूर तक घास चर रहा उसका क्षेत्रफल। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 2 नंबर देखते हैं, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी दे दिया जाए, यानी अब जो कह रहा है उस घोड़ा का जो लंबाई था रस्सी का लंबाई था उसका लंबाई 5 मीटर की जगह पर क्या कर रहे हैं हम 10 कर रहे हैं, तो सर रेडियस जो हो गया वो आपका कितना हो गया 10 मीटर, और थीटा तो आप समझ ही रहे 90 डिग्री ही होगा, यानी कि पुनः 2 नंबर चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्यों, क्योंकि
सर आप जरा समझने की कोशिश करिए सर, ये जो 5 था इसके जगह पर 10 कर दिया रस्सी की लंबाई, तो ऐसे ना चलेगा अब? बोला हाँ या ना, इस तरह चलेगा तो रेडियस जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर रेडियस ज़्यादा हो गया तो हम कह सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह पर 90 बटे 360 इंटू पाई की जगह पर 3.14 इंटू, जो सर रेडियस था पहले 5, अब रेडियस की जगह पर आप पुट कर रहे हैं 10, तो कटा दीजिए है ना, 4 बार में कटेगा, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। सिंपल है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको है ना, 4 से चाहे तो आप कटा दीजिए, 4 × 2 = 8, 25 बार मैंने 3.14 गुना 25 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.14 × 25। चलिए 25 × 100, 25 × 1 = 25 और 25 × 3 = 75, 0, 5, 5 × 2 = 8 और यहाँ हो गया 7, 78, 50। तो ये हो गया आपका इतना मीटर स्क्वायर आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है, यानी कि यहाँ पर जो डी का वैल्यू दिया है वो 35 मिलीमीटर दिया है तार का व्यास, ठीक है ना। और आगे आगे बोल रहा है कि वृत्त के 5 व्यासों को बनाना है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में, ये जो ब्रूच है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह 5 व्यास लिया गया है और एक राउंड पार्ट लिया गया है इस तरह करके गोल, ठीक है ना, जो से 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात तो सही है कि जो वृत्त का ब्रूच है वो 10 भागों में बट रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 त्रिज्यखंड में डिवाइड किया गया। तो क्वेश्चन है जैसा कि इसमें दिया गया है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, सर चांदी के तार की लंबाई चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। तो चांदी के तार की लंबाई, तो जो चांदी के तार की लंबाई है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो परिधि होगा, परिधि में चांदी का तार लपेटा गया और साथ ही साथ 5 व्यास है इसमें, 5 व्यास में कितना तार लगा, तो हम कह सकते हैं 5 × व्यास। बोलो हाँ या ना, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr + व्यास, 5 × व्यास तो ऑलरेडी दे रखा था 35। अब हम यहाँ से r का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, 35/2 होगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि r बराबर d/2 होता है, तो ये हो जाएगा 35/2। तो 2π के जगह पर हमको कुछ पुट नहीं करने के लिए बोला गया, तो हम 22/7 पुट करेंगे, इंटू 35/2 हो गया, 7 से 5 बार में 35, 2 से 2 कट गया, प्लस 5 × 35, अब 22 × 5, तो 22 × 5 करते हैं, 20 × 5 = 100 और इधर हो गया 110, तो 5 × 10 का 0 में 1, 2 × 5 = 10 और फिगर 110, और 35 × 5 तो 35 × 5 = 25, 5 × 2 = 2, 5 × 3 = 15 और 2 = 17, 175 जोड़ दीजिए सर, 5 हो जाएगा, 7 × 1 = 8 हो जाएगा, 285 मिलीमीटर, 285 मिलीमीटर ये हो गया आपका जितना ब्रूच में तार लगा उस तार की लंबाई हो गया टोटल, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सर अगर प्रत्येक कहीं भी आपको प्रत्येक निकालने के लिए बोले तो प्रत्येक का मतलब आप समझिएगा हमेशा कि एक बोल रहा आपसे, प्रत्येक का मतलब क्या हो गया, एक, यानी कि आपको यहाँ पर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो यानी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल में याद रखना, हमेशा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी कभी 2πr लिख देते हैं, सर वो नहीं होता सर, जो क्षेत्रफल होता है उसमें हमेशा पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना।
तो अब तो थीटा आपको मालूम ही नहीं है, लेकिन आप जानते हैं ये पूरा अगर 360 होगा, क्योंकि यहाँ पूरा 360 डिग्री बना है एंगल, तो थीटा जो होगा वो 360 बटे 10 होगा। बोलो हाँ या ना। क्यों, क्या 10 होगा, क्यों 10 होगा? क्योंकि 10 पार्ट में ये डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 10 पार्ट में, तो 10 से डिवाइड होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 36 डिग्री हो गया। तो 36 हो गया बटे 360 इंटू 22 बटे 7 इंटू आर का जो वैल्यू है सरकार वो है 35/2। तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब आप 36 से इसको 10 बार में कैंसिल कर दीजिए और 2 × 5 = 10, 2 × 11 बार में सर 1/5 हो रहा है, 11/7 हो रहा है, यहाँ पर 35/2 गुना 35/2 हो रहा है, 7 × 7 = 35, 1/5 से 1/5 कैंसिल हो गया। अब आपके पास 35 × 11 बचा, तो 35 को 35 × 11 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 5 = 8, 385 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में 2 × 2 = हो जाएगा 4। अब आप इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 4 × 9 बार में 36 है ना, 36 × 37 = 38, 2 बच गया, 2 × 5 4 × 6 = 24, 1 बच गया तो पॉइंट देंगे, 4 × 2 = 8, 2 बच गया 0 उतर जाएगा खुद ब खुद, तो 4 × 5 = 20, यानी इतना मिलीमीटर स्क्वायर जो हो गया प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ब्रज का प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सर अगला स्लाइड में है ये छतरी छाता वाला क्वेश्चन है, ज़रा पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से गौर करके, अगर कोई तरह का दिक्कत आप फेस कर रहे हैं तो कृपया करके कमेंट हमको करेंगे और बताएंगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, लाइटिंग या फिर और कोई दिक्कत हो रहा है तो हमको बताएंगे, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम यूं ही वीडियोस बनाते जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा हम में क्या कमियाँ हैं। तो कमी के लिए आप एक माध्यम है, चूँकि आप डायरेक्ट अगर आपको कोई तरह का क्वेरीज करना है तो कृपया करके आप 9097829222 पर आप व्हाट्सएप पे एसएमएस कर दिया करें, कॉल ना करें क्योंकि बहुत सारा कॉल आ जाता है तो हम पढ़ाएंगे क्या, तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें इस नंबर पे, और आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप या जो टेलीग्राम का लिंक है उसमें मैं ज्वाइन कर दूंगा, या तो आप खुद से टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे अभ्यास एजुकेशन तो वहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा, वहाँ पर आप बेहिचक जाके जुड़ जाइए, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, उसमें क्विज वगैरह चलते रहते हैं और उसमें बहुत सारा चीज़ें और नोट्स वगैरह मटेरियल वगैरह जो है पीडीएफ के थ्रू उसमें सेंड होते हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ पर जुड़ सकते हैं, आपका स्वागत होगा वहाँ पर, हमेशा स्वागत है। तो आते हैं इस क्वेश्चन पर। एक छतरी में 8 ताने हैं, ताना समझते हैं आप, जो छाता होता है उसमें स्पॉक टाइप का लगा रहता है ना, तार तार वाला, उसको ताना कहते हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, एक वृत्त मान लो, जो अगर हम छतरी को पूरी तरह से खोल दें तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा। सपाट वृत्त का मतलब होता है, मानने बोल रहा है एक वृत्त ही है ऐसा मान के चलो, ऐसे है ना। तो इनके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दैट मीन्स कि यहाँ का क्षेत्रफल लोग पूछ रहा। अरे भैया आपसे क्या पूछ रहा था, वो त्रिज्यखंड पूछ रहा या वृत्तखंड पूछ रहा, जल्दी कमेंट करके बताओ क्या पूछ रहा, त्रिज्यखंड या वृत्तखंड क्या पूछ रहा, समझ गए होंगे आप, इतने भोले भले बच्चे तो आप लोग रहे नहीं है ना। तो सर ये जो बिल्कुल आप समझ रहे हैं त्रिज्यखंड होगा, बिल्कुल सही बात, कमेंट कर लीजिएगा। तो थीटा का जो वैल्यू है सबसे पहले हमको मालूम ही नहीं है, तो निकालते हैं ना, पूरा 360 होता है, कितने भाग में बांटा गया है, 8 भाग में, देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से डिवाइड करते हैं, 8 × 32 33, 34, 35, 37, 4 × 8 = 40, यानी थीटा का जो वैल्यू हो गया वो 45 डिग्री हो गया। रेडियस कितना दे दिया था, 45 सेंटीमीटर, कितना दे दिया था, 45, ठीक है ना। तो हमको चाहिए प्रत्येक ताना दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आप लिख भी सकते हैं, अतः दो क्रमागत तानों के बीच क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो हो जाएगा थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360
60 पाई आर स्क्वायर। सर थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है? 45 डिग्री बटे 300, 60,000 इंटू पाई के जगह पर 22 बटे 7 पुट करते हैं, आर के जगह पर रेडियस है 45 का स्क्वायर। अब आप इसको 45 बटे 300, 60 गुना 22 बटे 7 गुना 45 इंटू 45। अब इसको सर सॉल्व कर लीजिए, आप कैलकुलेशन करना तो आपको आता ही होगा, सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और सर और भी तो कुछ क्वेश्चन नहीं बोला था हमको, सिर्फ क्षेत्रफल। बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर है ये सर क्वेश्चन है, किसी कार का दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। कार का वाइपर आप जानते हैं ना, लिए माफ़ी आपका टाइम लग गया थोड़ा सा ज़्यादा। तो सरकार ये है आपका कार का वाइपर, चलिए हम स्क्रीन शॉट इसका ले लेते हैं और वहाँ क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं, बच्चे को कोई तरह का तकलीफ नहीं होना चाहिए समझने में, मेरा यही मकसद है। चलो भाई ये है आपका कार का वाइपर, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो जो दो कार का वाइपर है ये अपना एरिया को साफ कर रहा, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होती मतलब एक दूसरे को काटते नहीं है, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 है, दैट मीन्स कि वो आर का वैल्यू दे दिया 25 सेंटीमीटर। भाई अगर कोई कार का वाइपर है तो ये जो घूम रहा होगा एक सर्कल का फिगर करेगा, एक सर्कल अगर पूरे घूम जाए तो वो एक पक्का वृत्त बनाएगा, तो पूरा तो घूम नहीं रहा है, इसका मतलब त्रिज्या के कारण जो खंड बनाएगा वो त्रिज्यखंड बनाएगा, दिमाग तो लग ही गया होगा है ना। और 115 डिग्री के कोण पर घूम सकती है, यानी थीटा का वैल्यू क्या हो गया 115 डिग्री। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए, प्रत्येक बुहार मतलब एक चाहिए है ना। तो अतः पाइपर की प्रत्येक, यानी प्रत्येक का मतलब क्या हो गया एक बुहार का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, मतलब त्रिज्यखंड जो है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 115 डिग्री थीटा दिया है सर, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, 360 हो जाएगा सर, पाई के जगह पर हम पुट करते हैं 22 बटे 7 और रेडियस है आपका 25 स्क्वायर हो जाएगा। अब आप 115 एक काम करते हैं 5 से कटाते हैं, 5 दूनी 10, 5 तीया 15, 5 से कटाते हैं, 5 सते 35, 5 दूनी 10 है ना, और कटेगा क्या, 2300 का कट जाएगा, 23 चौके 172 होता है। चार तिया 12 दो हाथ में एक, 4 दुनिया 8 और 1 9, नहीं नहीं कटेगा, सो नहीं कट रहा है, कटाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 बटे 72 इंटू 22 बटे 7 इंटू 25 का स्क्वायर हो गया 625। तो क्या सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर दें तब तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा ना, थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए। तो आप इसको कैलकुलेशन करिए, आंसर आपके सामने होगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी नहीं होंगे। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों और जितने भी आपके मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सभी को स्कूल ग्रुप में या कॉलेज जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं सारे ग्रुप्स में भेजिए, टेलीग्राम व्हाट्सअप शेयर कर सकते हैं, जितना हो सके शेयर करिए ताकि जल्दी से जल्दी मेरा एक टारगेट है वो टारगेट पूरा हो जाए। और आपका जो टारगेट है एम लक्ष्य, आपको बोर्ड में टॉप करना है, हर हाल में टॉप करना, तो हम आपको वादा करते हैं अगर मेरा टारगेट पूरा हो रहा है आपके थ्रू तो हम आपका वादा
ये जो मेरा वादा है, हम आपको जो किए हैं टॉपर कराएंगे, मतलब कराएंगे। अगर टॉपर होगा तो हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से, प्लस मेरा जो ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास हो रहा है उनके थ्रू जरूर होगा, बच्चे जरूर आएंगे टॉपर। हम आपको उसका वीडियो बहुत जल्दी भी, हालांकि पिछले बहुत सारे बच्चे टॉपर हुए हैं, उनका हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से वीडियो अपलोड करने का। और आप टॉपर होइएगा तो आप वहाँ से हमको वीडियो बना के मेरे नंबर पर, जो नंबर अभी आपको हमने स्क्रीन पर लिखाया था, उस नंबर पर एक वीडियो क्लिप सेंड करिएगा, ताकि हमें भी लगेगा कि मेहनत की है तो आज हुआ। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।